Okay guys, next we have gene therapy. Now what is gene therapy basically? Ye hamare paas insertion of genetic material into human cell for the treatment of a disorder is called as gene therapy. ठीक है, ये आप किसी भी जीन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, किसी और ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि आप किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं, इसको हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जैसे कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह, इन सब के जो है वो इन सब से बचाव के लिए हम लोग जीन थेरेपी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास दो मेन मैथड्स हैं इसके, एक आपके पास मैथड है जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्स विवो और एक आपके पास है इन विवो। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिनके जरिए आप जीन थेरेपी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप जो हमारे पास एक्स विवो जीन थेरेपी है वो आप लोगों को दिखाएगी है 23.11 डायग्राम के अंदर, किस तरीके से जो है वो आप रिमूव करते हैं एक स्टेम सेल, उसके बाद जो है वो स्टेम सेल जो है वो आगे आप ट्रांसफर करवाते हैं रेट्रोवायरसेस ताकि जो इन्फेक्ट कर सकें स्टेम सेल्स को विद नॉर्मल जीन। उसके बाद फिर आप तीसरे स्टेप में रिकम्बिनेंट डीएनए कैरियर जो है वो नॉर्मल जीन को जीनोम के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं और फिर फाइनल स्टेप के अंदर आप देखते हैं कि जो रिटर्न कर दी जाती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स को पेशेंट के अंदर, और इस तरीके से फिर अल्टीमेटली वो जो पेशेंट की पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास ये जीन पहुंचती जाएगी और फिर फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है उसको इस बीमारी से शिफा मिल जाएगी। सो इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अक्वायर्ड हमारे पास जो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं उनके अंदर। ठीक है जी, और इसी तरह से जो बच्चे जिनको एंजाइम वगैरह नहीं मिल पा रहे जैसे कि एडिनोसिन डीअमाइनेज वगैरह, वो भी सारे के सारे जो है वो जीन थेरेपी के जरिए हम लोग उनको क्योर करवा रहे हैं। इसी तरीके से इन्फेक्टेड जो होते हैं ऑर्गेनिज्म विद रेट्रोवायरसेस जो कि कैरी करते हैं नॉर्मल जीन फॉर द एंजाइम, देन दिस सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट। बोन मैरो स्टेम सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर दिस प्रोसीजर बिकॉज दे डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स विद सेम जीन। पेशेंट्स हु हैव undergone this procedure do have a significant improvement in their immune system, और इसी तरह से जो enzymatic activity है वो उनकी जो है वो मजीद से मजीद बेहतर होती जाती है due to this gene therapy। वो among the many gene therapy trials जो सबसे ज़्यादा जो familiar हैं वो कौन से हैं, hyper cholesterolemia, a condition that develops when liver cells lack a receptor for removing cholesterol from the blood। जब आपका liver जो है वो blood के अंदर से कोलेस्ट्रॉल ना निकाल पाए उस बीमारी को हम लोग जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया का नाम देते हैं। उसको ठीक किया जा सकता है, हाई लेवल्स ऑफ जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको आप लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं ताकि फेटल हार्ट अटैक से बचा जा सके। इसी तरीके से हमारे पास जो रेट्रोवायरसेस हैं उनके अंदर जो है नॉर्मल जीन्स को हम लोग रिप्लेस करवा देते हैं रिसेप्टर के ऊपर ताकि आपका जो आगे सीरम है कोलेस्ट्रॉल का वो नीचे आ जाए। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है पेशेंट्स के अंदर वो लैक करती है। अब देखिए बीमारियां जो हम लोगों ने इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, एक ये बीमारी है। ठीक है, इसी तरीके से सिस्टिक फिब्रोसिस जो है उसका हम लोग जो है वो इलाज कर सकते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस का हम लोग इलाज कैसे कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो है वो जीन होती है जो कि कोड करती है ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ द क्लोराइड आयन। पेशेंट ऑफन लैक डाई ड्यू टू न्यूमरस इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एन इन विवो मैथड ऑफ ट्रीटमेंट इज बींग ट्राइड। लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स डेट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म वन लिपोप्रोटीन्स आर पुट इन टू अ सोल्यूशन हैव बीन कोटेड विद द जीन नीडेड टू क्योर सिस्टिक फिब्रोसिस। देन द सोल्यूशन इज स्प्रेड इन टू पेशेंट्स नॉस्ट्रिल्स ड्यू टू लिमिटेड जीन ट्रांसफर। दिस मेथोडोलॉजी हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। वो क्या करते हैं जनाब, आपके पास एक स्पेसिफिक जो है वो जीन जो है वो कल्टिवेट करके उसको अल्टीमेटली वो पेशेंट की नॉस्ट्रिल्स के जरिए उसको स्प्रे करवा दिया जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन अभी तक ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डेट्स वाई हम इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह जीन थेरेपी जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। वो किस तरीके से कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो मोर टॉलरेंट हो जाते हैं कीमोथेरेपी पे। इसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो रिसर्चर्स बना रहे हैं ताकि वो हेल्दी सेल्स को प्रोड्यूस करवा सकें कीमोथेरेपी के नतीजे में और इनको जो है वो ट्यूमर की जगह पर जो है वो रिप्लेस करवा सकें और ह्यूमन बींग वल्नरेबल ना हो। और वंस द बोन मैरो स्टेम सेल्स वर प्रोटेक्टेड इट वॉज पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कीमोथेरेपी टू किल द कैंसर सेल्स। अगर स्टेम सेल्स जो कि आपके स्टेम सेल्स बोन स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो सेल्स हैं उनको अगर हम लोग जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि वो कीमोथेरेपी को जो है वो एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाएं तो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास अब बलून कैथेटर जो है वो इस्तेमाल होता है एंजियोप्लास्टी के अंदर।
ठीक है जी, वो ओपन होता है जाके क्लोज आर्टरी के अंदर. अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज अ टेंडेंसी टू क्लोज अप वंस अगेन, बट इन्वेस्टिगेटर्स हैव कम अप टू अ न्यू प्रोसीजर. वो बलून जो प्लास्टिक का हमारे पास है उसको एक जीन दे देते हैं जो कि वास्कुलर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर को वहां पे जाके इनहांस कर देती है, और इससे अल्टीमेटली जो आपकी जो आर्टरीज हैं वो ओपन रहती हैं देर तक, और इससे फिर आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है और एंजियोब्लास्टी सक्सेसफुल हो जाती है. इसी तरह से हमारे पास पार्किंसन जो डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, डायबिटीज, ठीक है जी, पार्किंसन डिसऑर्डर जो है वो डिजीज भी आप लोग जो है वो क्योर करवा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है जी. सो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो भी ग्राफ्ट हो सकते हैं ब्रेन के अंदर. इस सारे के सारे जो पर्क्स हैं ये जीन थेरेपी के हैं. इसके साथ ही आपके पास आती है टिश्यू कल्चर टेक्निक. आप टिश्यूज को किस तरह से कल्चर कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा. टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है ये टेक्निक इस्तेमाल की जाने लगी है पिछली सेंचुरी से, और इसने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है. ये एक ऐसी ग्रोथ है आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर ऑर्गेनिजम्स की, टिश्यूज़ की, जो कि एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर ले आई कि आप नए ऑर्गन्स बना सकते हैं, आप नए प्लांट्स के पार्ट्स में वो बना सकते हैं. सो इसे एक जर्मन बॉटनिस्ट था गॉटलिब हरबेंडिट, इसने जो है वो हेबरलैंड, इसने 1902 में शुरू किया था एक प्लांट सेल जिनको टोटिपोटेंट का नाम दिया था. ईच सेल हैज फुल जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसने कैरेट प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे छोटे छोटे फ्लोएम के पीसेस से, और फिर उनको अल्टीमेटली उसने कल्टीवेट करवाया था. उसने प्रोवाइड किए थे सेल्स जो है वो कोकोनट मिल्क प्रोवाइड किया ताकि जो प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन है वो कोकोनट मिल्क से मिल जाएगा उसे, और अल्टीमेटली इससे फिर क्या हुआ, पूरे का पूरा एक जो प्लांट है वो डिफरेंशिएट हो गया, और ये डिफरेंशिएटेड जो प्लांट है ये आगे से आगे ग्रो करता गया, और अल्टीमेटली उनको कंप्लीट जो है वो जेनेटिक मेकअप कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स हैं वो उन्हें मिलने लग गए, टिश्यूज मिलने लग गए, और उन टिश्यूज के मिलने से अल्टीमेटली आपको पता है कि ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होते हैं. सो ये सारी चीज़ें भी जो है जो पर्क्स हैं ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के हैं. इसी तरह मेरिस्टम कल्चर जो है वो किया गया, इफ द करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स आर एडेड टू अ लिक्विड मीडियम मेनी न्यू शूट्स विल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल शूट टिप, व्हेन दीज आर रिमूव्ड मोर शूट्स फॉर्म, सिंस द शूट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द एडल्ट प्लांट दैट डेवलप from them are called clonal plants, all having the same traits. Another advantage to meristem culture is that meristem, unlike other portions of plant, is virus free. Virus iske andar nahi hota, ye bhi isko ek perk hai, ek benefit hai. Bahut sari aur plants jo hain wo totipotent hote hain. It should be possible to grow an entire plant from a single cell. अगर बहुत सारे प्लांट्स जो है वो टोटिपोटेंट है, यानी कि एक प्लांट के अंदर ही ना उसके एक सेल के अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप एक ही सेल से पूरे का पूरा एक प्लांट जो है उसे ग्रो करवा सकते हैं. ये हमें एक पर्क हासिल है इससे. अभी तो कहते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं रीजनरेट करते हैं न्यू सेल वॉल एंड बिगिन टू डिवाइड. दीज clumps of cells can be manipulated to produce somatic embryos. Somatic embryos jo hain that are encapsulated in a protective hydrated gel and sometimes called artificial seeds can be shipped everywhere. aap jahan usko chahe leke ja sakte hain. bioreactors jo hain unke jo tanks aapke paas hote hain larger, unke andar aap in cheezon ko jo hai wo transfer kar sakte hain ek jagah se dusri jagah. yani iski khoobsurti ye bhi hai ki aap in cheezon ko bana ke uske baad isko na transport kar sakte hain badi ease ke sath jahan pe aap log chahe. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशंस यहाँ पे नाम आते हैं. वो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस आने के नतीजे में अल्टीमेटली बॉडी के अंदर आप अपनी मनपसंद चेंजेस जो है वो ला सकते हैं. लव सोमा का मतलब आपको पता है बॉडी है, तो ये जो आपके पास सोमा क्लोनल वेरिएशन है ये भी आ सकती हैं इसके अंदर, और डिजायर ट्रेड्स हम इसके अंदर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं. एंथर को आप कल्चर करवा सकते हैं, एंथर कल्चर टेक्निक भी हमारे पास मौजूद है. तो आपको पता है कि एंथर क्या है, एंथर आपको पता है कि प्लांट का जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो इस टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, जो विटामिन हमारे पास हैं कंटेनिंग विटामिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स आप एंथर बनाते हैं मैच्योर एंथर. हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स जो हैं पोलन जो है वो डिवाइड करते हैं आगे से आगे, और अल्टीमेटली जो है वो एड अप होकर आपको क्रोमोसोमल डबलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं. एंथर कल्चर जो है वो डायरेक्ट वे है प्रोड्यूस करने का प्लांट्स को, ताकि आप एक्सप्रेस कर सकें रिसेसिव ट्रेड्स, और इफ द रिसेसिव एलील्स गवर्न डिजायरेबल ट्रेड्स द प्लांट्स हैव दीज ट्रेड्स. तो कल्चर और कल्चरिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज हैज लेड टू अ टेक्निक कॉल्ड सेल सस्पेंशन कल्चर. एक और हमारे पास कल्चर का नाम आ गया, सेल सस्पेंशन कल्चर.
तो सेल सस्पेंशन कल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि रैपिडली ग्रोइंग कल्चर्स हैं उनको स्मॉल पीसेज में कट करके उसे शेक कर देते हैं एक लिक्विड के अंदर, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और उससे फिर स्मॉल क्लंप ऑफ सेल्स जो है वो ब्रेक करते हैं, और अल्टीमेटली ये ग्रो करते करते आपके पास पूरा प्लांट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. एग्जाम्पल आप लोगों के पास गिवन है किनकोना लेजरीना, ये हमने प्लांट जो है क्यूनिन का ये हम लोगों ने बनाया है, और उससे हम लोगों ने बायो रिएक्टर्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया है ताकि केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जिनको ड्रग्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, एग्रीकल्चरल केमिकल्स बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है तो हम लोग फिर इसको वहीं पर जो है वो डिकम्पोज भी करवा सकते हैं. अब इट विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी टू फॉर्म प्लांट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द केमिकल्स दे प्रोड्यूस. अगर हम लोग इस तरीके से ग्रो करवाना शुरू कर दें तो हमें बड़े फील्ड्स में इन चीज़ों की प्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े. दिस वॉज अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच.